बिजनौर के थाना शेरकोट के आरजी कदला में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। तेंदुए के हमले से अब तक गांव के 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगातार हो रही मौतों को देखते हुए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगा दिया, जिसके बाद तेंदुआ वन विभाग के लगाए हुए पिंजरे में कैद हो गया। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सैकड़ों की संख्या में छतों पर चढ़कर महिलाओं ने तेंदुए को देखा। जी, क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान डॉक्टर दलजीत सिंह सैनी। प्रधान जी, ये पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये पिंजरे यानी परसों यहाँ पे मजदूर आए थे मजदूरी करने के लिए। उस टाइम पे मेरे को सूचना मिली कि प्रधान जी ऐसे यहाँ पे जानवर है, तो वहाँ मौके पर आई टीम आई है। मैंने DFO साहब को कॉल करी, DFO साहब खुद आए, मुझे क्लियर प्रशासन आया है, आकर के ये पिंजरे की व्यवस्था कराई गई है। मेरी पंचायत के अंदर लगभग यहाँ पे 14 के अंदर यानी कि 7 किलोमीटर की रेंज में कोई गांव दूसरा गांव नहीं पड़ता, 3 गांव है। इस गांव के अंदर जानवर का स्तर के प्रकोप है कि आने जाने वाले जो गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, जो पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं, उनको भी न्यार काटने में दिक्कत पड़ी है। और 10-10, 20-20 व्यक्ति एक साथ जाकर चारा काटते हैं, मगर उसको जो भी जान लेने में की हमला होता है। बुलंदशहर में चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ चोर आए दिन कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां अस्पताल से चोरों ने बाइक की चोरी कर ली और चंद सेकंड में बाइक पर हाथ साफ कर फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जैसा कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चोरों ने मास्टर चाबी से बाइक का हैंडल लॉक खोलकर बड़े ही आसानी से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले दो शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोहेल और इस्तकबाल के रूप में हुई है। आरोपी वाहनों से डीजल चोरी कर सस्ते दामों में बेचते थे। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 470 लीटर चोरी का डीजल, एक तमंचा और चोरी में इस्तेमाल होने वाला कैंटर बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर जारी है। ताजा मामला बुढ़ाना थाना क्षेत्र के मंडी मोहल्ले से सामने आई है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर महिला की पिटाई की। वहीं घर में घुसने से पहले आरोपियों ने घर में लगा CCTV कैमरे को तोड़ दिया, फिर घर के अंदर जाकर महिला की पिटाई की। जानकारी के मुताबिक दुकान को लेकर दबंगों और महिला के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के जहांगीरीबाग में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित ओयो होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 होटलों को सील कर दिया है। बता दें कि पुलिस की ओर से ऐसा कहा गया कि कोई भी होटल रजिस्टर्ड नहीं था। दरअसल शुक्रवार को नगर के एक ओयो होटल में एक छात्रा और एक गैर संप्रदाय के युवक को स्थानीय लोगों की शिकायत पर बरामद किया गया था। बाद में छात्रा ने युवक पर नशीली पदार्थ सुंघाकर जबरन छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही छात्रा ने यह भी कहा था कि इस पूरे मामले में ओयो संचालक भी शामिल था। इसी के तहत पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 7 ओयो होटल को बंद किया गया।